हाय एवरीवन, बात करते हैं स्टॉक की। स्टॉक का नाम है कोटक बैंक। देखिए कोटक बैंक में चल क्या रहा है, उसको डीप में थोड़ा एनालिसिस करते हैं। आरबीएल ने थोड़ा सा उसके ऊपर ऑन बोर्डिंग पेयर लगा दिया है। डिजिटल ऑन बोर्डिंग कोटक बैंक नहीं कर सकता अभी, जिसके वजह से थोड़ा सा बड़ा इम्पैक्ट देखने को मिला है कोटक बैंक में। यहाँ पे देखे तो कोटक बैंक ने एक बड़ा सा रेंज तोड़ दिया है, जो रेंज ए वाला था। कोटक बैंक 1640 के नीचे ट्रेड करना स्टार्ट कर चुका है, ये बहुत नेगेटिव रेंज है। देखिए इसमें न्यूज़ का इम्पैक्ट हुआ है। यहाँ पे लोग गलती क्या करते हैं कि स्टॉक गिरा है तो लोग ज़्यादातर बड़ी सी क्वांटिटी में लोग बाय करना स्टार्ट कर देंगे, लेकिन ऐसा नहीं करने का। बी केयरफुल, जो चीज़ ज़्यादा गिरती है उसको बाय नहीं कर, और आप जो ज़्यादा बाय करेंगे तो आप उसको एवरेज करना पड़ेगा आपको, तो उसमें ज़्यादा लॉसेस हो सकते हैं। यहाँ पे कोटक बैंक की जर्नी क्या कर सकती है उस पे आता हूँ। लेकिन उसमें देखे तो इसने 4 साल का बड़ा सा रेंज था, जो रेंज को नीचे तोड़ के ट्रेड करना स्टार्ट कर दिया है कोटक बैंक ने। अब करना क्या है, जब तक कोटक बैंक उसका कोटक बैंक वापस इस रेंज में नहीं आती है, तब तक आपको वेट करना है। जब तक इस रेंज में नहीं आती तब तक एक प्रेशर बना रहेगा। पहले उसकी सपोर्ट थी, अब फ्यूचर में जाके क्या बनेगा उसका रेजिस्टेंस बन जाएगा, जैसे कि ऐसे आके इस रेंज को तोड़ के फिर से वापस डाउन साइड ना आ जाए। ऐसा इसमें क्या होता है, उसके बाद में इसको नीचे आके थोड़ा सा ऊपर लेके जो रेजिस्टेंस को तोड़ देगा तो रिवर्सल हो सकता है। जब तक ये मूवमेंट नहीं देखने को मिलती है तब तक बाय करेंगे एज ए रिटेल इन्वेस्टर, तो उसमें आपका ज़्यादा लॉस होने की संभावना है। यहाँ पे लेटेस्ट जो कैंडल है ये बहुत बड़ी सी रेड कैंडल है, उसके ध्यान में रख के काम करना। मेरा काम था आपको समझाना, गाइड करना, वैसे कोई एम्प्लॉइज लाने का मेरा काम नहीं है। आपको जो ये वीडियो अच्छा लगा तो आप सब्सक्राइब और लाइक कर सकते हैं। थैंक यू।